बुआ, बुआ जी आप कहाँ हैं? आ रही हूँ। बुआ जी ये कैसे और कब हो गया? कुछ पूछो मत बेटी, भरोसे का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं उसे क्या समझती थी और वो क्या निकला। हेलो हेलो, कट गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सुधा और प्रोफेसर साहब को मैं क्या बताऊंगी। घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी और मेरी वजह से। ओहो बुआ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? इसमें आपकी गलती तो है नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि विश्वनाथ मेरा भरोसा इस तरह तोड़ेगा। बुआ जी, आदमी कुछ और सोचता है और उसके साथ होता कुछ और है। लेकिन अब तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, वो लड़का पकड़ा गया ना, फिर बात खत्म। बाय द वे, यू डन अ ब्रेव जॉब, कीप इट अप। तुमने उस लड़के को देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन वो आपसे कहाँ टकरा गया? मंदिर में। मैं वहां पर बैठी किसी से बातें कर रही थी, बातों ही बातों में गोपाल का जिक्र आ गया, तो इसी विश्वनाथ ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो गोपाल को जरूर ढूंढ निकालेगा। फिर किसी न किसी बहाने घर पर आने लगा, बहाने बनाकर पैसे लेता रहा। आज भी वो शिरडी का प्रसाद देने आया था। प्रसाद तो उसे पुलिस वालों ने अच्छी तरह से दिया होगा। मेरी बेवकूफी तो देखो, मैंने उसे अंदर लाकर उसे खाना खिलाने के लिए अंदर चली गई और उसने अपना काम कर दिखाया। ताऊ कहाँ थे तब? मैं अंदर गई तभी वो बाहर से आए। उन्होंने देखा कि वो चोरी कर रहा है, फिर बहाने बनाकर उन्होंने उसे बच्चों के कमरे में धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर जय को फोन किया, फिर जय पुलिस को लेकर आ गया। अच्छा, तो इस इंसिडेंट के रियल हीरो ताऊ हैं। शुक्र मनाओ कि ताऊ जी वहां पर आए, नहीं तो मैं अकेली कैसे उसे पकड़ पाती। मैं देखती हूँ। हेलो, आए दीदी, हाउ आर यू? कैसे मना रही हो छुट्टी? चलो वेरी गुड। अच्छा सुनो, ये छुट्टी वुट्टी मनाने के चक्कर में तुम लोग ये तो नहीं भूले कि कल दिवाली है? कब आ रहे हो तुम लोग? कल शाम को? चलो वेरी गुड। मैं यहीं पर हूँ। हाँ, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पर हो नहीं, तो मैं बुआ जी को दिवाली की तैयारियों में मदद कर दूंगी। ओके बाय। सुषमा, तुम यहाँ कैसे, कब आई? अरे भाई, आप लोगों की बहादुरी का किस्सा सुनकर मैंने सोचा कम से कम आप लोगों को बधाई तो देने के लिए आ जाओ। अरे भाई, इस बधाई के हकदार हमारे ताऊ है। ऐसे है? तभी मैं सोच रहा था कि मेरे पांव जमीन पे क्यों नहीं पड़ रहे हैं। अरे कैसे पड़ेंगे, पूरा शहर डिस्कस कर रहा है कि ताऊ जी ने चोर पकड़ा है। ग्रेट जॉब डन। लेकिन वो बेचारा विश्वनाथ, वो अपने क्रम पे रो रहा होगा। अरे ताऊ, ऐसे लोगों की यही सजा होती है। हाँ। जैसे मैं आपको पूछने भूल गया, मैंने अखबार में पढ़ा है कि आपके कॉलेज में इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हो गया। हाँ ताऊ, आपने सही पढ़ा था। क्या होता है कि कभी कभी कोई चोर पकड़ा जाता है और कभी कोई छुप जाता है। खैर, अभी वो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। हाँ बिल्कुल, छोड़ो ना ये सब बातें। ताऊ जी, आपने जो कमाल का काम किया है, कम से कम उसके लिए हम सबको पार्टी वार्टी तो दीजिए। अरे हाँ, कमाल है, रिस्क मैं ही लूं और पार्टी भी मैं ही दूं। ऑब्वियसली। अच्छा ताऊ छोड़ो यार, पार्टी मैं देता हूँ, क्यों ना हम लोग सब साथ मिलके खाना खाएं। हाँ चलो बाहर चलते। चलो नहीं, तुम सबके सब बाहर खाना खाओगे तो घर में बनाए कौन खाएगा? आपने खाना बना लिया और क्या। तो ताऊ ऐसा करते हैं कि बुआ ने जो खाना बनाया वही खा लेते, पैसे भी कुछ बच जाएंगे। हाँ ऐसे ठीक है बुआ, मेरे लिए मुर्ग मुस्लिम चिकन तंदूरी वगैरह लाओ। अच्छा, चिकन खिलाऊंगी तुम्हें, उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। अच्छा, फिर जो कुछ घास फूस बना है वो तो खिलाओ। ताऊ खा लो खा लो खा लो, ये भी जाएगा। चलो हम भी अंदर चलते। मैं तब से कोशिश कर रही हूँ ये रंगोली को बनाने के लिए। अरे ये ऐसे ही नहीं बनती है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम ऐसे बनाओगे थोड़ी बनेगी। ये पूजा के फूल कहाँ रखूँ? ये अंदर
बुआ जी को जाकर दे दीजिए। बुआ जी को दे दो। उनको आने में कितनी देर है? मेरे ख्याल से शायद अभी 10-15 मिनट में तो पहुंचने चाहिए। मैंने रेलवे स्टेशन फोन किया था, पता चला कि आधे घंटे गाड़ी लेट है। हम लोग ऐसा करते हैं, हाँ। ये हम तैयार करते हैं, हाँ। और जैसे ही उनके टैक्सी रुकने की आवाज आएगी ना, हम इसे चला के उनका स्वागत करेंगे इस तरह से। लेकिन मेरी ये रंगोली, सुषमा तुम एक काम करो, ये रंगोली अच्छी से बुआ के बनवा लो और दीदी को कहना कि मैंने बनवाई। या और आज जब दीदी को ये समझ में नहीं आएगा कि ये रंगोली मैंने नहीं बुआ जी ने बनाई। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना। अरे चलो मम्मी, देखिए मैं बहुत थक गई हूँ। चलो बेटा चल के आराम करना। मज़ा खुला भी है? बुआ ने खोला होगा। मुझे भी दो एक। हाय ताऊ, कैसे हो? कैसे रहे? अरे चलो 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 चलो, अरे आओ बैठे कुछ। बहुत सारी बातें। क्या बात है भाई, बहुत हंगामा किया हुआ तुम लोगों ने। वाकई ये हंगामा तो ये दिवाली की शुभकामनाएं। मैं दिवाली मुबारक। हैप्पी दिवाली मासी। अरे क्यों भैया, आज हमारे रामचंद्र जी अपनी सीता और लवकुश के साथ में 14 वर्ष तो नहीं लेकिन 14 दिनों के बाद पधारे हैं, तो इसीलिए खास आयोजन किया गया। आपको कोई आपत्ति है? नहीं नहीं कोई। चलो भाई मिठाई मिठाई तो खिलाओ सबका। कितनी काली होगी ये दोनों। अरे दिन भर घूमना, धूप हवा पानी, काली तो हो जाएंगे ना। तू कैसी है? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। अरे बुआ कहाँ है? वो अंदर है। अंदर है? चल बेटा, मैं बुआ से मिलके आती। मजा आया? कैसा रहा? बढ़िया सर। अच्छी हो गई पिकनिक? फर्स्ट क्लास। क्या क्या किया? शॉपिंग की। हाँ, बस और शॉपिंग की, कपड़े लिए, जूते लिए। और क्या क्या देखा वहाँ पे? My God, this bag looks tough. लगता है बहुत शॉपिंग की है। बहुत। मम्मी, मासी के लिए आप जो ड्रेस लाई है वो तो दीजिए ना। अरे देखने तो दो। ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। सो नाइस। पसंद आया ना? बहुत अच्छा है। पहनोगी या नहीं? ऑब्वियसली, क्या मतलब है? तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि जो तुम मेरे लिए खरीदती हो वो मुझे पसंद नहीं आते? क्योंकि तुम्हारे और मेरे चॉइस में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ भी खरीदते वक्त डर लगता है कि भाई मैडम को पसंद आएगा या नहीं। Come on, दीदी, don't talk like that. आज तक तुमने मेरे लिए जितने भी गिफ्ट दिए ना, उन्हें हमेशा मैं संभाल कर रखती हूँ। अभी आप लोग बातें ही करते रहेंगे या दिवाली की तैयारियां भी करेंगे? अरे भाई सारी तैयारियां तो इन लोगों ने करके रखी है। और पटाखे? पटाखे तो जय अंकल लेकर आए हैं, जाओ जाकर देख लो। चलो दीदी देखते हैं। अरे हाँ बुआ, तुम्हारे लिए। सुधा, क्यों हर वक्त साड़ियाँ लेकर आती हो? इतनी सारी तो पड़ी है, पहनने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन आज दिवाली का मौका है ना, जाकर पहन लो। दीदी, मुझे एक बात बताओ, तुम सबका इतना ख्याल कैसे रख सकती हो? जब सभी मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो मैं कैसे नहीं रखूंगी। अच्छा ये बताओ, कितने दिन की छुट्टी है? छुट्टी? अब तो छुट्टी ही छुट्टी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सोच रही हूँ कि ये नौकरी छोड़ दूँ। क्यों, क्यों अचानक? अच्छी खासी नौकरी है ना, what's the problem? I'm just sick and tired of this 9-to-5 routine. सुषमा, नौकरी तब छोड़नी चाहिए जब दूसरी नौकरी हो हाथ में। लेकिन नौकरी कौन करना चाहता है? मेरा जो बॉस है ना, वो कमीना, एक नंबर का शैतान है। He's a bloody swine. कैसी बातें करती रहती हो तुम, किसी भी चीज का लिहाज नहीं है। ये घर है ना, control your language. इसमें language क्या बात है? मैं हमेशा सब जगह ऐसे ही बोलती हूँ,
और टॉपिक तुम्ही ने निकाला हाँ बाय द वे यू डोंट नो माय बॉस सारा टाइम मुझे इंस्ट्रक्शन देता रहता है ये मत करो वो मत करो यहाँ मत बैठो वहां मत जाओ गॉड आई एम फेड अप ऑफ ऑल दिस सुषमा तुम भी वेट हेलो ओ हाय हाउ आर यू तुम दिवाली के दिन अकेली बैठी क्या कर रही हो साल भर का त्योहार है भाई हम सब यहाँ पर है तुम भी आ जाओ मन लग जाएगा हाँ हाँ कल सुबह मुझे भी जल्दी जाना है कॉलेज अब त्योहार के दिन ऐसी बातें मत करो तुम यहाँ आ जाओ हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं समझी अच्छा किसका फोन था चित्रा भटनागर शरद के सेमिनार में मुलाकात हुई थी अब तब की मुलाकात दोस्ती में बदल गई है बहुत नेक है बेचारी और बिल्कुल अकेली है दुनिया में शी हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीदी तुम्हारे लाइफ में जितने भी लोग आते हैं तुम क्या सबके प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करती रहती हो मैं क्यों सॉल्व करूंगी लेकिन उस बेचारे का दुख देखा नहीं जाता है मुझसे चार दिन की जिंदगी है अगर किसी को पल भर की खुशी दे सकते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है दिक्कत कोई भी नहीं है लेकिन ऐसा ना हो कि किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तुम खुद प्रॉब्लम में पड़ जाओ सच कहूं तो सुषमा प्रॉब्लम्स कहीं बाहर से नहीं आती हैं लोग खुद अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं है ना अरे पूजा की तैयारी करनी है सब लोग कहाँ हैं जय और शरद को बुलाओ मैं बुलाती हूँ हाँ जय क्या बता रहे थे तुम शरद मैं कह रहा था कि तुम लोगों की गैर हाजिरी में अपने घर में एक बहुत बड़ी चोरी होते होते बच गई व्हाट हाँ हाँ क्या कह रहा था अरे वो विश्वनाथ है ना जो बुआ से पैसे ऐंठते रहता था जानता तो उसे देखा है उसे कभी भाई मैंने एक बार उसकी तस्वीर देखी थी पुलिस स्टेशन में हाँ वही वही इस घर में चोरी कर रहा था और रंगे हाथों पकड़ा गया उसे पकड़ा किसने पता है किसने अपने ताऊ ने यार मुझे पूरी डिटेल बता क्या हुआ था क्या मैं बता। वो विश्वनाथ बुआ को शिरडी का प्रसाद देने के बहाने घर में घुस आया और घर का सारा माल चोरी कर रहा था मैंने उसे चुपके से देखा लेकिन मैं पूरा घर दिखाने के बहाने उसको बच्चों के रूम की तरफ लेके गया और जैसे ही वो अंदर गया मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और जय सर को फोन किया ये तो बाय चांस मैं घर पे ही था जैसे ताऊ का फोन आया मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन किया पुलिस को लेकर मैं यहाँ पर आया जम के पिटाई की उसकी और पुलिस लॉकअप में बंद करवा दिया उसे लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा उसे चोरी करने की जरूरत क्या थी अरे उसका काम ही वही है इसलिए तो इतने दिनों से फोकट में बुआ से पैसे ऐंठ रहा था हाँ ये तो गलती की उसने गलती नहीं बुआ जुर्म है उसका जुर्म और इस जुर्म की उसे सजा मिलनी चाहिए न जाने उसकी क्या मजबूरी थी किसकी संगत में पढ़कर उसने ये किया प्रोफेसर साहब आप उस इंस्पेक्टर से बात करके उसे छुड़वा लीजिए आप भी तो मानते हैं ना कि ऐसे लोगों को प्यार से समझाकर सुधारने की जरूरत है वो कैसी बातें कर रही हैं आप एक आदमी इतने दिनों से आपको ऐंठ रहा है वो घर में चोरी करता है और आप उसे सुधारने और संभालने की बात कर रही हैं आखिर चाहते क्या हैं आप लेकिन मुझे लगता है वो बुरा लड़का नहीं है खराब संगत में पड़कर उसने ये काम किया है अगर जेल में जाकर पक्का अपराधी बन गया तो इसीलिए मैं कहती हूँ उसे जेल में मत रहने दो अब बुआ जेल से निकलने के बाद उसने फिर से अगर आपको चीट करने की कोशिश की तो मैं सुधारूंगा उसे मैं देखती हूँ वैसे ताऊ जी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या मैं उसे अपने तरीके से संभाल लूंगा अरे वो क्या तुम्हारा स्टूडेंट है वो चोर ये है चित्रा सुधा की दोस्त नमस्कार हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली चित्रा ये है जय हमारे दोस्त कॉलेज में हमारे साथ ही पढ़ाते हैं और ये है चित्रा भटनागर हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली टू यू और ये है हमारे ताऊ जी हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली ताऊ जी चित्रा यही वो चित्रा जी है जिसके लिए तुम जगह ढूंढ रहे थे इनके रहने के लिए हाँ और अब इन्हें खास दिवाली के मौके पे बुलाया हुआ है ताकि आप इनके साथ में सेलिब्रेट कर सके हाँ दरअसल ये सुधा की खास दोस्त हैं उसी ने इन्हें स्पेशली इनवाइट किया चलो मैं तुम्हें सुधा के पास ले चलती हूँ जी आई विल जस्ट जॉइन यू मैं चलता हूँ शरद
अरे मिठाई लेना तू। मिठाई तो बाद में ले लेंगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रंगोली। मैं तो सारा दिन बैठकर कोशिश करती रही लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। मासी, ये सब करने के लिए पेशेंस चाहिए जो आप में बिल्कुल नहीं। शट अप, ज्यादा मेरी नानी बनने की कोशिश मत कर। नो रियली, व्हाट अ ब्यूटीफुल रंगोली। उसका कलर कॉम्बिनेशन भी कितना परफेक्ट है ना? हाँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अगर आप मेरी माँ के हाथ की बनी हुई रंगोली देखती ना तो देखती ही रह जाती। माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद ये पहली रंगोली है जो मैं बना रही हूँ और ये पहली दिवाली है जो उनके बिना मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ। चलो बच्चों, अनुष्का आकांक्षा जल्दी कराओ, ये लो ये फूल जड़ियाँ और ये थाली, जय अंकल को दे दो। कम ऑन। Oh, don't get so emotional. Life में अच्छे और बुरे दिन तो आते ही रहते हैं। अब आप बॉम्बे में अकेली रहती हैं। जाहिर है जब इंसान अकेला रहता है तो थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो तो हम पर है ना, हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस। ओ गॉड, मैंने आपको लेक्चर पिला दिया ना। एक्चुअली बात यह है कि जब कोई इस तरह से मेरे सामने इमोशनल हो जाता है ना, तो आई फील कि उसके फीलिंग्स का कोई गलत फायदा ना उठा ले, उससे इमोशनल ब्लैकमेल ना करे। दैट्स इट, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ बैड पीपल एंड इमोशनल ब्लैकमेलर्स। अब देखे ना, हमारे घर में इतने बड़े इमोशनल ब्लैकमेलर हैं। कौन? मेरे जीजा जी। अरे आप क्यों घबरा रही हैं? वो आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, उनका हिसाब किताब तो मेरे साथ है। अब जब कभी मैं यहाँ पर आती हूँ ना, हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे कॉफी बनवाते रहते हैं, कभी दीदी के नाम पे तो कभी बच्चों के नाम पे। अच्छा चलो सब लोग रेडी फॉर ग्रुप फोटो। यस बच्चे, हाँ बच्चे आ जाओ। ओहो चलो ग्रुप फोटो लेते। सुधा जी, मैं चलना चाहूंगी। क्यों, घर जाके क्या करोगी? एक्चुअली सुधा जी, आज इतनी खुशी बटोर ली है कि बस उसे महसूस करने की इच्छा हो रही है। अच्छा अकेले मत जाना। शरद, जय को बोलो इनको जाके छोड़ आए। आई थिंक जय इज लिटिल बिजी। एक काम करता हूँ, मैं ही छोड़ आता हूँ। मैं रास्ते से थोड़ी और मिठाई भी लेता आऊंगा और डीसीपी साहब से भी मिलना है। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं अकेली चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं नहीं, अकेली कैसे जाएंगी आप, मैं छोड़ कर आऊंगा। अरे मुझे आप अपना ही समझिए। लेकिन जाने से पहले मैं आपको फिर बोलना चाहती हूँ कि डोंट बी सो इमोशनल। अब देखिए, आपको इमोशनली कोई भी ब्लैकमेल कर लेगा। जैसे हमारे घर में एक आदमी ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया। किसने? मिस्टर शरद दीक्षित ने। चलो चलो फोटो। ओके एवरीबॉडी, पोजीशन ले लो वहां एंड स्माइल, बिग स्माइल। Everybody cheese, happy Diwali. वाह,